Hello everyone, welcome once again. I hope you all are doing well. So today we are going to do a new chapter, Expert Detectives. Detectives. Who is detective? Detective is investigator. Jo investigate kare, or we can say that someone who discovers information about something or someone. ठीक है, किसी के बारे में information collect करना, किसी की जासूसी करना. So when I said detectives, what comes to your mind first? क्या आया आपके दिमाग में? Means if I talk about myself, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया CID, है ना? So I hope you remember ACP Pradyuman and Daya. So dear students, let's come to our story. So the story has half a dozen character in it. Means इस story में बहुत सारे characters हैं, okay? फर्स्ट कैरेक्टर इज द नरेटर माया. तो हु इज नरेटर इन दिस स्टोरी? माया एंड हिज यंगर ब्रदर निशाद. निशाद का जो निक नेम है वो है सेथ. ओके, सो यहाँ पर जो नरेटर है वो माया है और उसका जो यंगर ब्रदर है दे बोथ आर डिटेक्टिव्स. ये दोनों डिटेक्टिव्स हैं जो किसको डिटेक्ट करने वाले हैं? मिस्टर नाथ को. सो थर्ड कैरेक्टर इज their mother who is a doctor. उनकी मदर जो है वो डॉक्टर है. ओके, एंड मिस्टर नाथ इज द प्रिंसिपल मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी who lives in शंकर's house alone. जो शंकर के घर में रहते हैं अकेले ही, और जो कि पेशेंट भी है किसका? निशाद और माया की मदर का. ओके, जो डॉक्टर है वो उनका जो मिस्टर नाथ है वो उनका पेशेंट है. ठीक है, and here Ramesh takes tea or meals from restaurant to Mr. Nath's room. जो रमेश है वो Mr. Nath के लिए meals लेकर आता है और उनके लिए tea लेकर आता है उनके room में. So the children go ahead to collect information about Mr. Nath. So जो children है means माया और निशाद है, they collect information about Mr. Nath. Why they collect information about Mr. Nath? Because according to them means they think that Mr. Nath is a mysterious person. वो एक mysterious type का एक strange person है. तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं? Because he has no friend there. Mr. Nath उसका कोई friend नहीं है वहाँ पर, and he lives alone in Shankar's house. वो शंकर के घर में बिल्कुल अकेला रहता है और वो किसी से बात भी नहीं करता. मतलब कोई भी उसको विजिट करने जाता है तो उसके साथ बात भी नहीं करता. तो मींस वो एक ये जो चीज़ें हैं, दिस थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज अबाउट हिम. ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेंज हैं उसके बारे में. सो दैट्स व्हाई माया निशाद डिसाइड टू डिटेक्ट हिम. उनको वो मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करने की का के बारे में सोचते हैं. ओके, सो बट निशाद हैज़ अ बिट ऑफ सिंपथी फॉर मिस्टर नाथ. जो निशाद है उसको मिस्टर नाथ के लिए काफ़ी सिंपथी है. मतलब उसकी नज़र में वो बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा है. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बाय शारदा द्विवेदी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू सिबलिंग्स, निशाद एंड माया. ये स्टोरी निशाद और माया की है, हु आर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स इन दिस लेसन and who were curious to learn more about their mysterious neighbor. उनका जो mysterious neighbor है कौन है? Mr. Nath. उनके बारे में वो और जानना चाहते हैं. and their mother was a doctor. और उनकी जो mother है वो doctor है. और जो उनके neighbor है Mr. Nath, he was one of her patients. so वो उनका patient है उनकी mother का. निशाद हु पॉपुलरली कॉल्ड सेवन, जिसका निक नेम सेवन भी है, ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर मिस्टर नाथ. उसको बड़ा दुख होता है मिस्टर नाथ के लिए. हु हार्डली स्पोक विद एनीवन, जो किसी के साथ बातें नहीं करता है, किसी के साथ बोलता नहीं है. एंड निशाद थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज थिन. निशाद को लगता है मिस्टर नाथ थिन है बिकॉज ही वॉज पुअर एंड ही हैड नो फूड टू ईट. उसके पास खाने को नहीं है, वो गरीब है, दैट्स वाई. But Maya thought that Mr. Nath was a criminal and who had hidden the loot in his room. उसने बहुत सारा लूट का माल अपने रूम में छिपा के रखा हुआ है.
बट शी डिडंट बिलीव ही वो स्टार्विंग. उसे विश्वास नहीं होता कि वो स्टार्विंग हो सकता है, भूखा हो सकता है, बिकॉज ही ऑर्डर मील्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट. वो हमेशा रेस्टोरेंट से मील ऑर्डर करता है, तो वो कैसे गरीब हो सकता है. सिंस मिस्टर नाथ डिड नॉट वर्क, लेकिन उसके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि मिस्टर नाथ वर्क नहीं करता, स्टिल पेड द फूड बिल्स इन कैश, और फिर भी वो फूड बिल्स देता है और टिप भी देता है डिलीवरी बॉय को. Maya was sure that he had trunk full of gold and jewelry. उसको पक्का, माया को विश्वास होता है, पूरा विश्वास है कि वो जरूर उसके पास बहुत सारा गोल्ड है. And Maya believed that the scars on Mr. Nath's face were the result of an encounter with the police. कि उसके जो चेहरे पर निशान है वो जरूर पुलिस के साथ उसकी जो फाइट है उसके कारण है. हालांकि जो उसकी मदर है had told them that they were burns का, कि वो जले हुए के निशान है. One day निशाद went to Mr. Nath's house. एक दिन निशाद मिस्टर नाथ के घर जाता है and offered him a bar of chocolate. और उसको चॉकलेट ऑफर करता है. सो रमेश द बॉय हु डिलीवर्ड मिस्टर नाथ मील, जो मिस्टर नाथ को मील्स वगैरह देता है रमेश, टोल्ड निषाद, उसने निषाद को बता, वो निषाद को बताता है दैट मिस्टर नाथ हैड द सेम विजिटर एवरी संडे आफ्टरनून, कि हर संडे आफ्टरनून को मिस्टर नाथ से कोई मिलने के लिए आता है और वही सेम पर्सन. माया थॉट दैट द रेगुलर विजिटर वॉज मिस्टर नाथ पार्टनर इन क्राइम, कि जो उसका मिस्टर नाथ का जो विजिटर है वो जरूर क्राइम में पार्टनर होगा. एंड शी मेड अ लिस्ट ऑफ फैक्ट दैट दे न्यू अबाउट मिस्टर नाथ, और वो लिस्ट बनाती है मिस्टर नाथ के बारे में कि जो फैक्ट वो जानते हैं. एंड ट्राई टू कन्विंस निषाद दैट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रिमिनल. शी रिमाइंडेड हिम दैट नोबडी न्यू मिस्टर नाथ फर्स्ट नेम, कोई भी मिस्टर नाथ के फर्स्ट नेम को नहीं जानता. And the other tenants in his building thought he was mad. और जो दूसरे tenants means जो किरायेदार हैं वो सोचते हैं कि वो mad है, पागल है. And he did not speak to anyone. वो किसी के साथ बातें नहीं करता. Maya thought that it was suspicious that nobody sent him letters. कोई भी उसको letters नहीं भेजता, कोई भी उससे बात नहीं करता, ये बहुत suspicious है. And he had been staying in the same room for more than a year. एक मतलब एक साल से एक ही रूम में वो रहता है. एंड ही हैड नो विजिटर, और उसके कोई विजिटर नहीं है, सिर्फ एक ही विजिटर है जो संडे आफ्टरनून को उससे मिलने के लिए आता है, जो स्पेक्स लगाता है. एंड ही ऑर्डर मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट, और वो हमेशा रेस्टोरेंट से ही क्यों खाना ऑर्डर करता है. बट निषाद फेल्ट दैट मिस्टर नाथ वॉज लोनली, कि निषाद को लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो अकेले हैं, और वो माया को इग्नोर कर देता है, उसके फैक्ट्स को भी इग्नोर कर देता है. एंड ही डिड नॉट लाइक माया कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रिमिनल, एंड उसको पसंद नहीं आता कि मिस्टर नाथ जो है मतलब वो उसको क्रिमिनल बोलती है माया. एंड निषाद डिसाइड टू फाइंड आउट वाई मिस्टर नाथ वॉज थिंग, वो डिसाइड करता है कि वो फाइंड आउट करेगा कि व्हाई ही हैड नो फ्रेंड्स एंड व्हाई ही लिव्ड अलोन, क्यों वो अकेला रहता है, क्यों उसके फ्रेंड्स नहीं है. एंड माया डिड नॉट लाइक निषाद एटीट्यूड, माया को निषाद का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता टुवार्ड्स मिस्टर नाथ के लिए. एंड सो द सिबलिंग्स फोट विद ईच अदर, और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, वो आपस में लड़ने लगते हैं इस बात पर. एंड निषाद वॉज डिटरमाइंड टू बी फ्रेंड्स विद मिस्टर नाथ, कि मैं मिस्टर नाथ का फ्रेंड बनूंगा. वाई? बिकॉज ही लाइक्ड हिम, वो उसको बहुत पसंद करता था, और उसके अकॉर्डिंग वो क्रिमिनल.